सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता दे कार सेवा मुखी बाबा हरतसीम सिंह का गोलियां मार के कतल, बाइक सवारा ने वारदात को दिता अंजाम, पुलिस ने हमलावरों की भाल की शुरू। सीएम भगवंत मान की पत्नी ने धी को दिता जन्म, सीएम मान ने खुद ट्वीट करके दी जानकारी। सीएम भगवंत मान ने दिता जानकारी। वित्त मंत्री सीतारमन ने लोकसभा चोणा लड़न तो किया इनकार, पार्टी ने दी जानकारी चोणा लड़न की लोड़ा धन नहीं। अते हुन खबरां विस्तार दे नाल। उत्तराखंड च उधम सिंह नगर स्थित गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहब के कार सेवा मुखी तरसेम सिंह दा अनपछाते हमलावरां ने गोलियां मार के कतल कर दिता। बाबा तरसेम नूं गंभीर हालत में निजी हस्पताल च लिजाया गया जिथे डाक्टरां ने उन्होंने मृतक ऐलान दिता। दरअसल बाइक सवार बदमाशां ने तरसेम सिंह ते ताबड़तोड़ फायरिंग की सी। जानकारी मुताबिक घटना सवेरे 6:30 तो 7 बजे के दरमियान वापरी है। तरसेम सिंह सवेर के समय गुरुद्वारा साहब के बार बार कुर्सी से बैठे हुए सन। इस दौरान बाइक सवार बदमाशां ने तरसेम सिंह से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बदमाशां ने उन्होंने 3 फायर की, मौके तो फरार हो गए। मौके पर हफड़ा दफड़ी मच गई। बाबा नूं गंभीर हालत में खटीमा हस्पताल लिजाया गया जिथे डॉक्टर ने उन्होंने मृतक ऐलान दिता है। हमलावरों की गिरफ्तारी लिए पुलिस वालों टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्द हमलावर गिरफ्तार कर ले जाएंगे। घटना मगरों समर्थकों के लोगों में रोह की लहर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर किलकारियां गुंजिया ने डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने धी को जन्म दिता है। सीएम भगवंत मान की पत्नी की रात तबीयत खराब हो गई थी जिन्होंने फोर्टिस हस्पताल दाखिल करवाया गया। हालांकि पत्नी ते बच्ची तंदुरुस्त है। सीएम भगवंत मान ने खुद इस बारे जानकारी साझी की है। लोकसभा चोणां नेड़े आउण नाल सियासी पार्टियां विच हलचल तेज हो गई। इसे लड़ी विच भाजपा तेजी नाल अगे वध रही है। आम आदमी पार्टी के वड्डे नेतावां दे भाजपा विच शामिल होण नाल पंजाब विच आम आदमी पार्टी की होंद डगमगा गई है। अकाली दल ते कांग्रेस पार्टी पहले ही हाशिए ते चल रहे ने, पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मजबूत होंदी जा रही है। लोकसभा चोणां नेड़े आउण नाल सियासी पार्टियां विच हलचल तेज हो गई। इसे लड़ी विच भाजपा वध रही है। आम आदमी पार्टी के वड्डे नेतावां दे भाजपा शामिल होण नाल पंजाब च आम आदमी पार्टी की शाख नूं खतरा पै गया। अकाली दल ते कांग्रेस पार्टी पहला ही हाशिए ते जा रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। दूजे पासे सियासी माहिरां दा कहना है कि सुशील रिंकू दे भाजपा शामिल होण नाल सिर्फ जलंधर ही नहीं सगों पंजाब दीआं 13 लोकसभा सीटां ते इसदा असर वेखण नूं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी 32 साल बाद लोकसभा हलका पटियाला दे चोन मैदान विच अपना उम्मीदवार उतारन जा रही है। इस तों पहला गठजोड़ दे चलदे इस हलके दी उम्मीदवारी श्रोमणी अकाली दल दे हिस्से रही है। 67 सालां च 17 वार होई लोकसभा चोन च भारतीय जनता पार्टी वालों सिर्फ एक वार ही अपना उम्मीदवार चोन मैदान विच उतारिया गया। 1952 पटियाला हल्के की पहली बार चोण हुई। 1992 भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार उम्मीदवार चोन मैदान च उतारिया सी, पर जित ना मिली। भारतीय जनता पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल का गठजोड़ 1996 तो 2021 तक रहा है। पटियाला हल्के तो उम्मीदवारी की टिकट श्रोमणी अकाली दल को ही मिलती रही है। कई दहाकों बाद वक्रे तौर पर चोन लड़ना भाजपा लिए चुनौती भरया रहने वाला है। इसलिए भाजपा हल्के पहलों तो स्थापित तजर्बेकार चेहरे को टिकट देने का फैसला कर चुकी है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकसभा चोणों नूं लैके वड्डा ऐलान कर दिता है। सीतारमन ने कहा है कि वह लोकसभा चोणां नहीं लड़ेगी, जिसके बारे पार्टी नूं दस दिता गया। एक समागम दौरान बोलदे वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हां कोल चोणां लड़न लई लोड़िंदा धन नहीं है, इस तों इलावा जितण लई कई होर कारक भी अनुकूल नहीं है। वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा कि पार्टी ने इस संबंध में मैनूं पुछिया सी, पर एक हफ्ते या दस दिन तक इस बारे सोचण तों बाद मैं यह कहण लई वापस आई शायद नहीं। उन्होंने अगे कहा कि मेरे को चोणां लड़न लई इन्ने पैसे नहीं है। दस दिए कि निर्मला सीतारमन इस समय राज्यसभा की मैंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की मुख मैंबर भी है। वित्त मंत्रालय तो इलावा उन्हां कोल कारपोरेट मामलों के मंत्रालय का चार्ज भी है। सीतारमन सत्ताधारी भाजपा के सीनियर नेतावां विचों इक है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के समन नूं नज़रअंदाज कर दिता है। उन्होंने कहा कि वह अपने कृष्णा नगर हल्के चोन प्रचार करेंगे। दस दिए कि ईडी ने महुआ नूं नवी दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर पुछगिछ लई पेश होने लई कहा सी। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मोइत्रा ते दुबई स्थित कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी नूं विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट की उलंघना के मामले में पुछगिछ के लिए ताज़ा समन जारी किया। 49 साल तृणमूल कांग्रेस आगू नूं केंद्रीय एजेंसी वालों पहला भी दो बार पुछगिछ लई समन भेजा गया सी, पर उह सरकारी काम का हवाला दिंदे हुए पेश नहीं हुई ते नोटिस नूं मुलतवी करन दी मंग कीती। मोइत्रा जिस नूं दिसंबर विच अनैतिक बिहार लई लोकसभा चो कढ दिता गया सी, उसकी पार्टी ने आने वाली लोकसभा चोणां विच पछमी बंगाल की कृष्णा नगर सीट तो दोबारा नामजद किया। मनरेगा च लगे मजदूरों लई केंद्र सरकार ने वड्डा ऐलान किया है। सरकार ने महात्मा गांधी नैशनल रूरल इंपलॉयमेंट गरंटी एक्ट के तहत आने वाले कामियां लई नवी उजरत दर जारी कीतियां ने। नवी दर मुताबिक हुण हर सूबे विच मजदूरों नूं वध तनखाह मिलेगी। तुहानूं दस दईए कि गोवा च सब तो वध मजदूरी दर वधाई गई है। गोवा च सब तो वध 10.56% का वाधा दर्ज किया गया, जदों कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3.4% वाधा होया। गोवा के मजदूरों को पहला 322 रुपये प्रतिदिन मिलता सी, जो हुण वध के 356 रुपये प्रतिदिन हो गया। कर्नाटक में मनरेगा का रेट 349 रुपये हो गया, जो पहला 316 रुपये प्रतिदिन हुंदा सी। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो बाद दिल्ली तो लैके पंजाब तक की सियासत गरमाई हुई है। इस तो एक दिन पहला आप दे तीन विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोष लाया से कि उन्होंने विदेशी नंबरों तो कॉल आ रही ने, नाल ही भाजपा शामिल होने लिए 25 करोड़ तक के ऑफर भी दिए जा रहे हैं। इस नाल ही हुण पार्टी के जनरल सकत्तर ते राज्यसभा मैंबर डॉक्टर संदीप पाठक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से इस संबंधी एक पोस्ट भी पाई। उन्होंने अपनी पोस्ट में भाजपा से गंभीर दोष लाए ने, यह भी कहा कि तुहाडे विधायकों नूं कहा जा रहा है कि जो मर्जी करो तुहानूं मिल जाएगा, जेकर तुसी ना आए तो तुहाडी खैर नहीं होएगी। हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत लिखा कि सच की जित होगी। एक बार हुण फिर पशु पालकां दीआं मुश्किलां वधदीआं नज़र आ रहीआं ने। मोगा जिले अंदर पशुआं विच मूंह खुर बीमारी दिनों दिन वध रही है। पशु पालक जसविंदर सिंह रौली ने दस्सिआ कि उन्हां दे पिंड विच काफ़ी पशुआं नूं मूंह खुर दी बीमारी लग चुकी है, जिस कारण उन्हां दे पशुआं वल्लों चारा खाणा बिल्कुल बंद कर दिता गया ते उह प्राइवेट डॉक्टरों का सहारा लैके प्राइवेट तौर पर महंगा इलाज करवा रहे हैं, पर पशुओं को कोई बहुता फर्क नहीं पाया। पर अज पशु पालकों ने पशुओं में मूंह खुर की बीमारी संबंधी हलका मोगा के विधायकों वंदी परोड़ा के ध्यान में लिया, जिन्होंने फौरी तौर पर पशु पालन के डिप्टी डायरैक्टर जिला पशु पालन विभाग के डिप्टी डायरैक्टर हरबीर कौर नाल गलबात कर पशुओं की बीमारी संबंधी तुरंत इलाज करने दी हिदायत जारी की। जी बीमारी तुसी दस रहे हो ये 3 डेज सिमटम सिंड्रोम है जी। ये फीवर हो रहा पशुओं और वो पट्ठे वगैरह जो खाण पीना छड़ रहे अपना,
और ये सिर्फ 3 दिन के लिए होंगे। यदि वैक्सीन ऑलरेडी साढ़े मोगे जिले के कर दी गई है और साढ़े हर डिस्पेंसरी के डॉक्टर्स साढ़े पूरा ट्रीटमेंट जोड़ा है वह सारा असी इंतजाम किया हो। सो मेरी गुजारिश है साढ़े सारे वीर जिन्होंने अपने घर पशु रखे हुए हैं कि काइंडली तुसी जेड़े सरकारी डॉक्टर उन्होंने ही कंटैक्ट करो और सारिया दवाइया जड़िया और डॉक्टर साहबान साढ़े को पूरा स्टाफ जोड़ा अवेलेबल है और उन्होंने कंटैक्ट करके तुसी अपने पशुओं को दिखा के उन्होंने ट्रीटमेंट करवाओ। हुण नज़र मारदे अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाज़िर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाज़त। धन्नवाद।